लास्ट टाइम डिग्री ऑफ फ्रीडम किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डायटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, ट्राइटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम या तो 6 या फिर 5, ये डिस्कस किया था। ऑल्टरनेट मेथड से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाला था। पर आज का जो टॉपिक है वो क्या है, दो किस्म की स्पेसिफिक हीट्स हैं, एक सीपी और एक सीवी। तो सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन निकालेंगे जो आप केमिस्ट्री के अंदर भी करते हैं, और क्या रिलेशन करते हैं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो ये रिलेशन किया जाता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, या ये भी बताया जाता है आपको कि सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। तो आप केमिस्ट्री में करते हैं, तो फिजिक्स वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, तो सीपी ग्रेटर देन सीवी। इस टॉपिक को करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि अगर सीपी ग्रेटर देन सीवी का कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है, तो पहला रूल ये समझ लें कि स्पेसिफिक हीट की अगर आप बात करते हैं, तो स्पेसिफिक हीट के अंदर हमने क्या किया था, क्यू इज इक्वल टू एन सी या क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और ऐसे हमने किया था क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी। फर्क क्या था दोनों में, पहला फर्क ये था कि ये मास है और ये मोल्स हैं। तो इसके अंदर इस जब हम मास लेते हैं तो इस सी को क्या बोलते हैं, सिंपल स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट है बस। लेकिन अगर हम मोल्स लेते हैं इसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, दोनों में क्या फर्क है। तो इसमें जो यूनिट्स हैं वो क्या बनेंगे, क्यू अपॉन ये लो, इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू डेल्टा टी, यानी कि जूल या कैलोरी कुछ भी, पर ग्राम पर कैल्विन या डिग्री सेल्सियस कुछ भी, इसमें जूल या कैलोरी कुछ भी, पर मोल पर कैल्विन या डिग्री कुछ भी। तो जब भी मोल वर्ड आएगा तो आपने बड़ा सी यूज करना है, जब सिंपल स्पेसिफिक हीट पर ग्राम पर मास में केजी में चलेगी तो छोटा सी यूज करना है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, ठीक। तो ये एक तो ये डिफरेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। अब सीपी और सीवी क्या चीज है, इसको एक बार देख लेते हैं। सीपी और सीवी डिस्कस करने के लिए आप एक पॉइंट को समझें, एक एक्सपेरिमेंट को समझें। सपोज करो आपके पास ये एक गैस है और ये एक पिस्टन है। तो गैस एक सिलेंडर में पड़ी हुई है और यहां पर क्या है, एक पिस्टन है, ठीक है यहां तक। तो लेट अस सपोज ये एक गैस है और पिस्टन इज नॉट अलाउड टू मूव, पिस्टन मूव नहीं कर सकता, तो वॉल्यूम की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू इज कांस्टेंट। तो लेट अस सपोज मैंने इस गैस को 100 कैलोरी की हीट दी ताकि गैस अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर ले, और गैस ये चाहती है कि मैं अपना टेम्परेचर कितना इंक्रीज करूं, डेल्टा टी। तो गैस ने कहा कि ठीक है, अगर आप मेरे को हीट देना चाहते हो ताकि मेरा टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हो जाए, तो गैस की हीट रिक्वायरमेंट 100 कैलोरी ही है। तो आपने 100 कैलोरी दी, गैस ने 100 कैलोरी ली, पिस्टन मूव नहीं कर सकता था, पिस्टन में वर्क डन नहीं हो सकता, तो गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हो गया, बात क्लोज हो गई। अब ये एक्सपेरिमेंट किस पे हो रहा है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसमें अगर गैस का मान लो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसमें एन, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये एक्सपेरिमेंट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो यहाँ पर सी कौन सा यूज करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और राइज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा टी। तो ये आपने जो हीट की रिक्वायरमेंट है गैस की, कि गैस कहती है मेरे को इतनी हीट चाहिए ताकि मेरा टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हो जाए, तो हमने इतनी हीट दे दी, बात खत्म, ठीक हो गया। तो गैस ने क्या किया, अपने अंदर के टेम्परेचर को बढ़ा लिया, यानी कि अपनी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर लिया। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, डेल्टा यू, डी यू या डेल्टा यू कुछ भी हो सकता है। तो डी यू या डेल्टा यू क्या चीज है, कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस जिससे कि टेम्परेचर की वैल्यू इसके अंदर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा इसके अंदर ये भी लिखा जाता है, जैसे गैस ने अपना टेम्परेचर डीटी इंक्रीज करना है, डीटी, तो फिर अगर ये डीटी तो ये क्या हो जाएगा, डीयू, स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो स्मॉल इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाय डीटी, तो गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी बाय डीयू।
पहला स्टेप क्लियर है इसमें, और आपने जो भी हीट दी वो सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी में लग गई। लेकिन अब अगर सपोज करो आप अपना एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे पिस्टन इज अलाउड टू मूव, पिस्टन अलाउ है मूव करने के लिए। तो अगर आपने इसमें 100 दिया था, इसने 100 ले लिया, तो डी यू इस केस में कितना है, 100 कैलोरी था, बात खत्म। लेकिन जब आप पिस्टन को अलाउ करते हैं कि वो मूव कर सके, तो अब अगर आप ये कहते हैं कि मैंने गैस का टेम्परेचर फिर से कितना इंक्रीज करना है, एन मोल्स ऑफ गैस का डी टी, तो गैस कहती है देखो मेरी रिक्वायरमेंट तो वही है, आपका पिस्टन मूव करे या ना करे वो आप देखें, मेरी रिक्वायरमेंट वही है कि मेरा अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो मेरे को तो इतनी हीट चाहिए ही चाहिए, ठीक है यहाँ तक। तो इसके अंदर गैस के अकॉर्डिंगली अगर मान लो उसको 100 कैलोरी की हीट चाहिए अपने सेम टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, तो गैस तो 100 लेगी लेगी, पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, पिस्टन मूवेबल है। तो अब अगर आप इसमें 100 देते हो बाहर से हीट, तो 100 अगर आप देते हो और 20 कैलोरी का वर्क डन हो जाता है पिस्टन को ऊपर मूव करने के लिए, तो अगर आप 100 देते हो सफिशिएंट नहीं होगी, क्योंकि 100 देने का मतलब कि 100 अगर गैस रख लेगी तो पिस्टन कैसे मूव करेगा, और पिस्टन ने 20 रखना ही रखना है, तो गैस को 80 मिली, गैस ने अपना टेम्परेचर उतना इंक्रीज ही नहीं कर पाएगी जितना वो करना चाहती है। तो अब उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हीट कितनी देनी पड़ेगी, 120 कैलोरी, ताकि 120 में से गैस को तो 100 मिले और 20 कौन ले जाएगा, पिस्टन। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर नोट करें, जो हीट जो आप इनपुट दे रहे हो वो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी वही काम करने के लिए जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या चाह रहे थे आप, कि गैस अपना टेम्परेचर इंक्रीज करे, कांस्टेंट प्रेशर पे भी क्या चाह रहे थे, कि गैस अपना टेम्परेचर इंक्रीज करे। तो अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो आप हीट दे रहे थे वो सारी की सारी हीट गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करने में ही लग रही थी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे दो जगह हीट लग रही है, गैस को तो मिलेगी मिलेगी, साथ में पिस्टन को भी मिल गई। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है यहाँ तक। तो पिस्टन जब बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ड्रास्टिकली चेंज करने में प्रेशर चेंज होते हैं, हल्के हल्के में कुछ नहीं होता, ठीक, मैं वो भी करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये पॉइंट क्लियर है कि सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्यों ज़्यादा देनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये पहला रिजल्ट है। तो अगर मैं अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूं, तो सपोज केस नंबर वन, जब वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, तो मान लो इसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये cv और ये क्या है dt, तो सारी की सारी हीट किस में लग जाएगी, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टेंट प्रेशर की, अगर मैं बात करता हूँ कॉन्स्टेंट प्रेशर की, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे n cv dt तो लगेगा लगेगा, साथ में क्या लगेगा, dW अमाउंट ऑफ वर्क डन भी लगेगा। तो आपको अब बाहर से हीट कितनी देनी पड़ेगी, एन सी वी डी टी तो देनी पड़ेगी, साथ में डी डब्ल्यू भी देनी पड़ेगी। इस केस में आपने कितनी हीट दी थी, सिर्फ और सिर्फ एन सी वी डी टी दी थी बस, उस केस में ज्यादा देनी पड़ेगी। इस केस में जो भी आप हीट दोगे वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। और इस केस में हीट जो आपने यहां से दी उसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका आप इसको और इसको ऐड कर दें आंसर, दूसरा तरीका अगर आप एक ही गो में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दें हीट की जगह एन सी पी डी टी, तो एक ही बात है। तो अगर आप एक ही गो में फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो सीधा लगा दें एन सी पी डी टी, और अगर आप डिवाइड करके करना चाहते हैं फिर आप ऐसे करें, आंसर दोनों में एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब पिस्टन इज अलाउड टू मूव तो एन सी पी डी टी लगाएं, एक ही बारी में टोटल जो है हीट की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो ऐसा कर लें तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक। तो इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रूल याद रखें,
जब भी आप du की कैलकुलेशन करेंगे, du इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, भूलना नहीं कभी भी आप cv ही यूज करेंगे, cp कभी नहीं यूज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आप du निकालेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, du दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो हमेशा cv की कैलकुलेशन से सॉल्व होता है, cp उसमें यूज ही नहीं होता, आपके आधे न्यूमेरिकल यहीं से ठीक हो जाएंगे। नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि cp यूज करूं या cv यूज करूं। मैंने बिल्कुल क्लियर बता दिया, इंटरनल एनर्जी के चेंज में हमेशा cv ही यूज होगा, खत्म। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन भी क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। अब हम प्रूव करते हैं cp और cv में रिलेशन। cp cv रिलेशन के लिए सबसे पहले एक रिलेशन और देख लो, एक होता है छोटा c, एक होता है बड़ा c। छोटा c का मतलब पर जो स्पेसिफिक हीट है वो ग्राम या केजी में चल रही होती है, कैलोरी पर ग्राम, और बड़ा सी किस में चल रहा होता है, कैलोरी पर मोल। ठीक है यहां तक? तो इसमें जो बड़ा सी और छोटे सी में रिलेशन क्या है, देखो छोटा सी चल रहा है पर ग्राम, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं गैस के मॉलिक्यूलर मास से, तो बड़ा सी भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर मोल हो गया, कैपिटल एम मल्टीप्लाई करने से पर मोल हो गया। तो याद रखना बड़ा सी और छोटे सी में बहुत सिंपल रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि जो बड़ा सी होता है वो कैपिटल एम टाइम छोटा सी होता है, चाहे ये रिजल्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे लगा लो, चाहे ये रिजल्ट कांस्टेंट प्रेशर पे लगा लो, ये भूलना नहीं है। ठीक है, सी स्मॉल सी स्पेसिफिक हीट है और जो कैपिटल सी है वो मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये रिजल्ट क्लियर है। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, रिजल्ट लिख दिया बड़ा सी और छोटे सी में क्या रिलेशन है। अब मुझे पता है अगर 1 मोल ऑफ गैस को लिया जाए, तो 1 मोल ऑफ गैस में हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने अभी ये डिस्कस किया कि कोई भी अगर आपके पास गैस है तो मैं यहाँ से हीट देता हूँ मान लो DQ, इस DQ में से कुछ हीट किसमें चली जाती है, इन इंक्रीजिंग दी इंटरनल एनर्जी, बाकी बची हुई हीट का क्या हो जाता है, वर्क डन। तो DQ की वैल्यू क्या आएगी, DU प्लस DW, DQ इज DU प्लस DW, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, एनर्जी कंजर्वेशन बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जितनी आपने हीट दी DQ उसमें से कुछ DU, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी दैट इज इंक्रीजिंग द टेंपरेचर ऑफ द गैस, और कुछ का वर्क डन। तो इसमें ये मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, फर्स्ट लॉ में DU की जगह 1 मोल के लिए क्या लगाएंगे, 1 CV dT, DU में हमेशा क्या यूज करेंगे, CV, और DQ में क्या यूज करेंगे, 1 CP dT। मैंने बताया चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लो चाहे ऐसे कैलकुलेट लो, बात तो एक ही है। अब जो वर्क डन होता है वो शायद केमिस्ट्री में किया होगा आपने पी डेल्टा वी या पी डी वी, तो कैसे, वो इसलिए क्योंकि जो भी आपका ये पिस्टन है उसका एरिया अगर ए है और पिस्टन को आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो बाय डी एक्स, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की वैल्यू क्या आएगी इसमें, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू डीएक्स क्या होता है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी। तो ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कैसे हम डीडब्ल्यू को पी डीवी लिख सकते हैं। तो डीडब्ल्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ऑलवेज गिवन बाय पी इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो इसके अंदर ये रिजल्ट क्लियर है यहाँ तक कि ये 1 CP dT, 1 CV dT 1 मोल के लिए और पी डीवी। अब प्रॉब्लम क्या है, ये वर्क डन है, वर्क डन किसमें होता है, जूल में, और हीट की कैलकुलेशन किसमें होती है, कैलोरीज में, तो ये तो अच्छा नहीं है ना, कैलरी और जूल, तो या तो तीनों कैलरी हो या तीनों जूल हो, तो जूल को कैलरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 यानी कि जे से क्या कर दिया, डिवाइड। अब तीनों के तीनों किसमें हो गए, कैलरी में। तो इसमें जो पी डी वी 1 मोल के लिए क्या होता है, RdT। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है और स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी करें तो आर कांस्टेंट है तो यहां पर डीटी आ जाएगा। तो यहां पर पी डी वी की जगह रिप्लेस करो RdT, डीटी क्या हो जाएगा, कैंसल, आंसर आ गया CP minus CV is equal to R by J। अब ये रिजल्ट कंफ्यूज करता है लोगों को, R by J, ये J का क्या क्या करेंगे, एक सिंपल लाइन में समझा देता हूँ। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल किसमें चल रहा है, ये कैलोरी में चल रहा है, ये भी कैलोरीज में चल रहा है, कैलोरी पर मोल, तो ऑब्वियसली ये भी किसमें आना चाहिए, कैलोरीज में। R अगर कैलोरी में मेजर किया जाए, क्योंकि R अगर जूल में मेजर करते हैं तो 8.31, तो J से क्या करते हैं, डिवाइड, अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आता है, 2। तो बेस्ट तरीका बताऊं, आप न्यूमेरिकल में ये J का चक्कर ही ना डालें,
अगर ये कैलोरी है, ये कैलोरी है, तो आप सिंपल यहां पर वैल्यू क्या यूज करेंगे आर की, टू, डन, बात ही खत्म। और अगर ये पर जूल में चल रहा है, ये जूल में चल रहा है, तो आर की सिंपल 8.31, बस वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो आपको वैसे मैंने फर्स्ट डे बता दिया था कि अगर सब कुछ कैलोरी चल रहा है तो 2, सब कुछ जूल में चल रहा है तो 8.31, तो जे की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। पर हाँ थ्योरी में बनाते हैं तो मैंने लिख दिया, तो इसमें आर और जे दोनों पॉजिटिव हैं, तो यानी कि सी पी माइनस सी वी इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। तो जब पेपर में प्रूफ करने को आएगा, प्रूव दैट सी पी इज ग्रेटर देन सी वी मैथमेटिकली, ये सारा करके आना है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद, इसके बाद सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, देखो वो खुद ही बता रहा है कि अगर ये जूल में है, अगर ये जूल में है, तो ये जूल में यूज कर लो 8.31, अगर ये कैलरी में चल रहा है, अगर ये कैलरी चल रहा है, तो ये 2 यूज कर लो, तो जे का कोई चक्कर पड़ेगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं जे की आपको, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 1 ग्राम ऑफ अ गैस, एक बात बताओ, ये बड़ा सी पी माइनस बड़ा सी वी इज इक्वल टू आर, ये पर मोल, पर मोल, अगर मैं ये पूछूं पर ग्राम के हिसाब से आंसर कैसे होगा, एक काम करो, इसको लिखो कैपिटल एम इंटू छोटा सी पी, इसको लिखो कैपिटल एम इंटू सी वी इज इक्वल टू आर, तो क्या बनेगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर बाय एम, इसको जे की जगह ना एम करो, एम एम, ठीक है यहाँ तक। नहीं रुको रुको रुको, एक सेकेंड, वेट वेट वेट, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आर बाय एम बताता हूँ क्यों। तो ये जो सी पी माइनस सी वी है, अब ये पर ग्राम या पर केजी में चला गया, कई बुक्स कैपिटल आर और एम को नाम देती हैं स्मॉल आर, स्मॉल आर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, कैपिटल आर तो किसी भी गैस के लिए सेम है, स्मॉल आर सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कैपिटल एम हर गैस का डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं छोटे आर में कभी कैलकुलेशन करना पसंद नहीं करता, बुक्स भी नहीं करती, बताती जरूर है पर ग्राम, करती नहीं है, क्यों, स्मॉल आर हर गैस के लिए क्या हो जाएगा, चेंज, तो इसीलिए हम इसको याद नहीं करेंगे, हम सिंपली यही करेंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कैपिटल आर, कोई मर्जी गैस आ जाए कैपिटल आर तो कम से कम क्या रहेगा, सेम। पर हाँ ये मेथड पता होना चाहिए, पर ग्राम में अगर जाना है तो कैपिटल आर को कैपिटल एम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। ये इसलिए क्योंकि मेंस वालों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके ऊपर, वो गैस, दो किस्म की गैसेस दी है उन्होंने, तो कैपिटल एम से डिवाइड करके सी पी माइनस सी वी की वैल्यू डिफर करती थी, डिफर क्यों करती है, क्योंकि कैपिटल एम की वैल्यू पर ग्राम में चेंज हो जाती है, तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है यहाँ पर। तो एक तो ये रिजल्ट है,